सोवालो बच्चों जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आया एक थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और कई कई बच्चे बच्चों में और पेरेंट्स में भी कई कई बार आप फॉर्म फिल करने जाते हो और पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है ही नहीं और अगर है तो उसको स्कैन कराना पड़ेगा या उसके मार्क्स को एवरेज निकालना पड़ेगा तो इस वीडियो में फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और क्या क्या अपलोड करना होगा उसकी मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ हालांकि एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस बात को कवर किया है लेकिन ध्यान रखना मैंने देखा है कई कई YouTube वीडियोस में वो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी बता रहे हैं जो काउंसलिंग के जब समय लगती है तो मैं इसमें काउंसलिंग को अभी बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है अभी आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात करूंगा और ये सब आपके अपने के 44, 45 और 46 पे फिल करने हैं वो बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जो पर्टिकुलर आपको फिल करना है वो आपको उस डॉक्यूमेंट में होगा तो वो डॉक्यूमेंट आप फाइल बना के रख लीजिए और पहले से रेडी कर लेंगे तो गलती नहीं होगी क्योंकि अभी से मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों ने गलती कर दी है इवन एक बच्चे ने तो मैं पूछा कि क्या मैं बैकग्राउंड कुछ अलग करके लगा सकता हूं मेरा मानना बिल्कुल मत लगाइए चल तो जाता है कभी कभी वो इसके लिए आपको कैंसिल नहीं करते लेकिन जो बोला गया वही है वही करिए ये एग्जामिनेशन एक ही होता है तो हम रिस्क नहीं ले सकते तो चलिए रजिस्ट्रेशन पेज पे आपका पर्सनल डिटेल प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है यानी कौन कौन सी चीज चार चीज पर्सनल डिटेल प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस चूज पासवर्ड पे पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नाम फादर ऑब्लिक गार्जियन का नाम मदर का नाम ऑब्लिक गार्जियन का नाम कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो टेंथ मार्कशीट के हिसाब से माना जाता है जेंडर नेशनैलिटी आइडेंटिटी टाइप आइडेंटिटी नंबर आइडेंटिटी टाइप मान लो आधार कार्ड तो उसका नंबर ड्राइविंग लाइसेंस तो उसका नंबर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में एड्रेस लोकेलिटी सिटी ऑब्लिक टाउन ऑब्लिक विजिट विलेज कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा परमानेंट एड्रेस में भी लगभग सेम एड्रेस लोकेलिटी सिटी टाउन विलेज कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड पासवर्ड में पासवर्ड चाहिए कंफर्म पासवर्ड दोबारा उसी को टाइप करेंगे और सिक्योरिटी आंसर होगा उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी पिन एक आपको दिया जाता है वो आप करोगे उसके बाद एप्लीकेशन पेज आ जाएगा दूसरे नंबर पे अप्लिकेशन पेज में डिटेल से उठा लेगा जेंडर मदर लेगा नेशनलिटी वहीं से उठा देगा स्टेट फॉर्म वेयर ट्वेल्थ इक्यूल पास ये आपको भरना पड़ेगा कैटेगरी भरना पड़ेगा इफ यू हैव ए पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट डू यू हैेंच मार्क ऑफ डिसिटी फोर्टी परसेंट उससे ज्यादा ये भरना पड़ेगा फिर उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये भरना पड़ेगा डू यू नीड ए स्क्राइब एज क्राइटेरिया गिवेन इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको किसी वहां पे हेल्प की जरूरत होगी किसी के साथ आप एग्जाम देंगे तो वो लिखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी हो गया आर यू डायबिटिक कंट्री ऑफ रेजिडेंस इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू द ओनली गर्ल ऑफ योर पेरेंट ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिलोंग्स टू माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी मोड ऑफ प्रिपरेशन ये भरना होगा डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्री टू द ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग इन डी नीट आप अलग से कोई कस्टम ड्रेस पहनना चाहते हो अप्लाई फॉर प्री फिल्ड हो जाएगा अपने आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको भरना होगा और चार चॉइसेस आपको भरने होंगे फिर आ जाता है टेंथ इक्विवेलेंट की डिटेल आपसे उसका पास स्टेटस ईयर ऑफ पास अपियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम प्लेस ऑफ स्कूलिंग टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड रिजल्ट मोड मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट दस का है या क्या है सी जी पी सी जी पी ए टोटल मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स परसेंटेज रोल नंबर स्कूल ऑब्लिक कॉलेज नेम एड्रेस स्कूल ऑब्लिक कॉलेज पिन कोड उसके बाद आ जाता है इलेवंथ क्लास के लिए पास स्टेटस इयर ऑफ पासिंग क्वालिटी लेवंथ का जनली बच्चों के पास कुछ कुछ नहीं होता है ये जो डमी उमी बच्चे करते हैं ना इनके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन सही नहीं रहती तो इन बच्चों के लिए होगा पास स्टेटस ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम प्लेस ऑफ स्कूलिंग टाइप ऑफ स्कूलिंग वो सारी चीजें जो टेंथ में है वही उसी को लगभग रिपीट कर दिया है इलेवेंथ में उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल डिटेल्स एग्जाम स्टेट सिटी चाइज फोर पास स्टेटस इयर ऑफ पासिंग अपियरिंग क्वालिफाई एग्जाम प्लेस ऑफ स्कूलिंग ये ट्वेल्थ वाले ट्वेल्थ यानी अपेरिंग के लिए होगा या पास कर चुके होंगे उसके लिए आखिरी ईयर वाला है फॉर इक्विवेलेंट के लिए चल रहा है ये टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज क्वालिफाइंग सीजीपीए वगैरह वगैरह उसके बाद एडिशनल डिटेल में प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा रहा है परमानेंट इनकम फादर का फादर क्वालिफिकेशन उनका ऑक्युपेशन उनका एनुअल इनकम क्या है मदर का क्वालिफिकेशन उनका ऑक्युपेशन उनका एनुअल इनकम क्या है गार्जियन का क्वालिफिकेशन उनका ऑक्युपेशन उनका इनकम क्या है उसमें से दो ही वैलिड होगा पेरेंट मम्मी पापा या गार्जियन लिखना चाहे कोई आ, या तीनों में से कोई एक या दो आ, उसके बाद अपलोड क्या क्या करना है डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फोटो साइज बता रखा है पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो साइज बता रखा है उस वीडियो में लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थम इम्प्रेशन उसके बाद सिग्नेचर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी बिलोंग करते हो तो ये चीज नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंच मार्क सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर आप बाहर वगैरह के हैं तो तो ये था डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए पहले से अगर कॉम्पैक्ट करके रखे आप बैठोगे तो आपके लिए मुझे लगता है काउंसलिंग में चीजें आसान हो जाएंगी नहीं तो थोड़ा मुश्किल आएगा सो इट वॉज ऑल थैंक यू वेरी मच बबाय टेक केयर